हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वीरेंद्र रामगढ़ ब्लॉग में आपका स्वागत है। चलिए, कार चलाने के लिए आज हम बताने वाले हैं। और पिछला वीडियो पे हम कार चलाने के लिए फर्स्ट डे बताया थे, उसका कुछ पार्ट बच गया है, उसी को आज हम पूरा करने वाले हैं। तो चलिए, वीडियो पे आप बने रहें और हमारे चैनल पे नहीं है चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि इस तरह से हमारा वीडियो जल्दी से आप तक पहुँच सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले रोड से निकलने से पहले ही आपको सीट बेल्ट लगा लेना होगा। आपको देख सकते हैं ये साइड सीट बेल्ट हर गाड़ी का लगा हुआ रहता है, राइट साइड। और आप इस प्रकार से सीट बेल्ट को लगा लेंगे, यहाँ पे प्रेस कर लेंगे, आप इस प्रकार से सीट बेल्ट लगा लेंगे और इस प्रकार से आपका आ जाएंगे जगह पे, ठीक है। अगर आपको अगर सोलिद नहीं लग रहा होगा तो सीट को और आगे पीछे कर लेंगे अच्छे से। इस प्रकार से सीट पर सबसे पहले स्ट्रिंग को देख लेना होगा कि ये गाड़ी चक्का उसका सीधा है या नहीं है। तो चलिए, हमको जाके देखना नहीं होगा, चक्का स्ट्रिंग से ही पता चल जाता है। अगर ऐसे मुड़ा हुआ है तो समझ लीजिए कि चक्का थोड़ा सा लेफ्ट साइड मुड़ा हुआ है। अगर इस प्रकार से मुड़ा हुआ है तो सोचिए कि राइट साइड इस प्रकार से थोड़ा सा चक्का मेरा मुड़ा हुआ है। सेंटर करने के लिए इस प्रकार से हम चक्का को बीचों बीच में सेंटर लेके आते हैं। उसके बाद आपको हैंडल को इस प्रकार से नहीं पकड़ना है या घुमाते घुमाते इस प्रकार से नहीं मोड़ना है। इसका मोड़ने का तरीका आपको हम बता देते हैं कि गाड़ी मोड़ना है इस प्रकार से, धीरे धीरे घुमाना है और छोड़ना, एक हाथ छोड़ना है, दूसरे हाथ से पकड़ना है, फिर इस प्रकार से इसे छोड़ना है, दूसरे हाथ से पकड़ना है। और ये जो भी लगा हुआ है इस प्रकार से आपको इस प्रकार से हैंडल को धरना है। बहुत कोई ऐसे कर लेते हैं, बहुत कोई ऐसे कर लेते हैं, ये गलत तरीका है। तो चलाने का, गाड़ी चलाने का बहुत ही अच्छा तरीका ये है कि गाड़ी के इस प्रकार से हैंडल को पकड़े या इस प्रकार से पकड़े और ऐसे ऐसे मोड़े। जब पूरा मुड़ जाता है तो हाथ को छोड़ के और दूसरा हाथ को पीछे लेके आना होगा। फिर ऐसे मोड़ना है तो फिर हाथ छोड़ के फिर दूसरा हाथ पे लेके आना होगा और धीरे 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 एक हाथ से ऐसे ऐसे मोड़ना होगा। तो चलिए, हैंडल के बारे तो आपको समझ गए होंगे। अब हम बताते हैं आगे का लाइट का कैसे जलाना है। यहाँ पे दो दिया गया है, ठीक है ना, लेफ्ट साइड है कि राइट साइड दिया गया है। अब यहाँ पे इसी पे प्रत्येक गाड़ी का अलग अलग होता है, बट लेकिन इस गाड़ी पे यहाँ पे ही सारा फॉग लैंप का और लाइट का और इंडिकेटर का सारा इसी में दिया गया है। इस प्रकार से ऊपर कर लेंगे इस प्रकार से ऊपर कर लेंगे तो ये लेफ्ट साइड का इंडिकेटर जलेगा, और इस प्रकार से नीचे करेंगे तो ये राइट साइड का इंडिकेटर जलेगा। अब इसको सेंटर पे रखेंगे तो ये अभी लेफ्ट साइड ना राइट साइड किसी तरह नहीं जलेगा, किसी साइड नहीं जलेगा लाइट। और उसके बाद हम इस प्रकार से लाइट को जला पाते हैं। यहाँ पे दिया गया है सारा डिटेल, आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे जब हम लोग करते हैं, चाबी देते हैं, आपको ज़्यादातर समझ में आ जाएगा। चलिए, हम लेफ्ट इंडिकेटर देते हैं, प्रेस करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से लेफ्ट साइड इंडिकेटर प्रेस करना है। तो इस प्रकार से हम ऐसे ऊपर कर दिए, देखिए इंडिकेट आपका कर रहा है। अब लेफ्ट साइड गाड़ी मुड़ना है। अब इसी को हम नीचे कर देते हैं, ये नीचे को जैसे कि ये राइट साइड लाइट भी जलना चालू करिए। एरो का पहचान राइट साइड दिख रहा है, मतलब राइट साइड गाड़ी मुड़ना है। तो चलिए, इसके बारे तो आप समझ गए। आप देख सकते हैं मिरर को, अब हम थोड़ा सा बता देते हैं। लेफ्ट साइड मिरर जो दिया गया है, जिस प्रकार से दिया गया है लेफ्ट साइड मिरर, देख सकते हैं हीरो भी यहाँ से दिख रहा होगा, लेफ्ट साइड मिरर है। अब मिरर से हमको अपना गाड़ी को एडजस्ट कर लेंगे और बढ़िया से अपने अनुसार एडजस्ट कर लेंगे मिरर को लेफ्ट साइड का। अब यहाँ पे एक सेंटर मिरर दिया गया है, अब देख सकते हैं सेंटर मिरर पर हम इसका पीछे देखने का प्रयोग करते हैं। और एक यहाँ राइट साइड जो साइड ड्राइवर बैठता है उस साइड पे फिर मिरर रहता है, अब मिरर राइट साइड भी आप देख सकते हैं इस प्रकार से। और जब मेरा गाड़ी पीछे आए, दाएं आए, बाएं आए, तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। गाड़ी को हम थोड़ा सा ड्राइव करते हैं, आगे की ओर लेके जाते हैं। चलिए, आपको पता है कि यहाँ पे आपका दिया गया है क्लच, दिया गया है लेफ्ट साइड, अब बीच पे ब्रेक है और राइट साइड क्या है, एक्सीलेटर है। कमेंट करके बताइएगा कि इसमें क्या है। उसके बाद हमको लेफ्ट मुड़ना है तो लेफ्ट की ओर आना होगा, लेफ्ट की ओर आना होगा। और गाड़ी इस प्रकार से लेफ्ट हम मूव कर लिए हैं, अब हम गाड़ी को सीधा कर लेंगे। चलिए, गाड़ी को सीधा कर लेते हैं इस प्रकार से। अब हम
सीधा कर लेते हैं, इस प्रकार से मेरा गाड़ी अब सीधा चल रहा है। अब देख सकते हैं गाड़ी को तेज भगाना है तो गाड़ी को हम इस प्रकार से तेज भगाएंगे। अब फिर से हम लेफ्ट मोड़ना है, फिर से लेफ्ट मोड़ना है तो इस प्रकार से हम लेफ्ट मोड़ लेते हैं गाड़ी को। तो राइट साइड इस प्रकार से हम लोग मोड़ पाते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ हैंडल को इस प्रकार से राइट साइड हैंडल मोड़ पाते हैं। उसके बाद गाड़ी को फिर से सीधा कर लेना होगा, इस प्रकार से गाड़ी को सीधा कर लेते हैं और सीधा हम स्ट्रेट करके चलते हैं। चलिए गियर के बारे में बताते हैं। गियर यहाँ पे अभी एक गियर पे गाड़ी है, हमको नीचे करना होगा, क्लच दबा लेना होगा और गियर दूसरा गियर पे चेंज कर लेते हैं और तेज चलते हैं। थोड़ा देर दूरी जाने के बाद आपको तीन गियर लगा लेंगे, इस प्रकार से तीन गियर लगा लेते हैं और सीधा तेज चलते हैं। और कुछ देर के बाद हमको करना है चार गियर, तो हम इस प्रकार से चार गियर लगा दें। चलिए हम राइट साइड मोड़। चलिए पृथ्वीराज को हम पहला डब्बे भी बताए थे कि कैसे गाड़ी चलाया जाता है, ये लगभग सीख गया है। आज फिर से इसको हम ट्राई के लिए देख रहे हैं कि और बेहतर तरीका से चला पाता है या नहीं पाता है। तो चलो पृथ्वीराज सबसे पहले क्या करना होगा, चलो गाड़ी को पहले स्टार्ट करना है। हाँ गाड़ी को पहले स्टार्ट करना है, उसके बाद क्लच दबाना है, क्लच दबाना है, गियर लगाना है। हाँ गियर लगाना है, गियर लगाओ दिखाओ। हाँ चलो ठीक है, उसके बाद हाँ उसके बाद एक्सीटर धीरे धीरे एक्सीटर लेना है। चलो लो, चलो चलो इधर लेके चलो, इधर लेके चलो। सीधा सीधा सीधा, ये देखिए पहला दिन में दूसरा दिन में और बेहतर तरीका से गाड़ी चला पा रहा है, आप देख सकते हैं। हम इसके बगल पे बैठे हुए हैं, अब थोड़ा सा लेफ्ट मोड़ो, लेफ्ट मोड़ो। देख दूसरा गियर लगाना है, दूसरा गियर लगाना है, कैसे लगाएगा दूसरा गियर? हाँ उसके बाद लगाओ, हाँ उसके बाद धीरे धीरे और हाँ चलाओ, छोड़ो इधर लेके चलो, बाएं 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 लेके चलो। देख सकते हैं इस प्रकार से ये गाड़ी को ड्राइव अच्छा तरीका से कर ले रहा है। सीधा लेके चलो गाड़ी को, सीधा लेके कैसे चलना है। चलिए इस प्रकार से ये गाड़ी को ड्राइव कर रहा है, सीधा लेके चल रहा है, आप देख सकते हैं। सीधा लेके चलो सीधा, हाँ उसके बाद बाएं मोड़ो, लेफ्ट मोड़ो और सीधा कर लेना होगा। हाँ सीधा कर लो, इधर नहीं, सीधा सीधा कर लो। ये देखिए स्ट्रेट रूप से सीधा से चला पा रहा है। अब इधर लेके चलो बाएं, बाएं मोड़ो, आज का क्लास में बहुत मजा आ गया, पूरा गाड़ी चलाना सीख गए हैं, इसीलिए मैं चाचा को थैंक यू बोलते हैं। चलो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।